Gente, um chapatéu. Extensão, extensão, tripurarizal, extensão, extensão. Tripurarizal. Good morning, sir. Good morning, sir. Aris. चलिए, थैंक यू भैया। पहले ही क्लास 10 मिनट लेट हो गई है। आज तो जब तक क्लास वाले क्लास खत्म नहीं करते तब तक क्लास नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया, सभी को हैप्पी बर्थडे। जिनका भी जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई। अब क्या मास्टर का यही काम रह गया है कि बर्थडे सेलिब्रेट करें? बहुत बढ़िया। अरे आज तो सौम्या जी कह रही है थोड़ा ज्यादा पढ़ा देना सर, परेशान मत हो, ये तो गजब की बात है। तो आइए भाई, आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? सब कुछ अच्छे से क्लियर है? ओके ओके बेटा, रिवीजन में अगर हम चर्चा करें तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी होने वाला है। बस अब हम जो जो चीजें पढ़ रखी हैं उसी को यूज में लेंगे और अपना काम निपटाएंगे। आ जाओ, आज कोशिश करते हैं इसी को आज ही खत्म करने की, और अगर आज नहीं हुआ तो फिर ये मंडे को तो आधे घंटे में हो ही जाएगा। तो मंडे को मैग्नेट शुरू कर देंगे। We are going to start. चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं रिवीजन में। राजा बेटा, कल हमने आपको काफी कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी। मैंने आपको कल स्विच प्रॉब्लम्स बताई थी, अगर आपको याद हो तो। स्विच में क्या करते हैं, पहले इनिशियल सर्किट बनाते हैं, फिर फाइनल सर्किट बनाते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। क्या बात याद है? बहुत बढ़िया। दूसरा बेटा, फिर हमने पढ़ा था कल प्लेट प्रॉब्लम्स, इफ यू रिमेम्बर। अगर आपके पास 4 प्लेट हैं तो आप कितने कैपेसिटर बना सकते हो? 3 कैपेसिटर। क्या यहां तक की बात आप सभी को याद है? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। फिर राजा बेटा, कल हमने पढ़ी थी ब्रेकडाउन वोल्टेज प्रॉब्लम। सिस्टम की बीवी निकालने के लिए हमेशा छोटे की बीवी का ध्यान रखें। सिस्टम की बीवी निकालने के लिए छोटे की बीवी का ध्यान रखें। हाँ ना बोले यार। यस सर। आइए, शनिवार है आज, जम के पढ़ते हैं इस वीक का अंतिम लेक्चर। बहुत खुश होके, बहुत मस्ती में, बहुत अच्छा, एनर्जी अच्छा। के साथ आइए पढ़ते हैं। सिस्टम की बीवी हमने निकालना सीख ली है। हाँ ना बोले यार। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर हम इतनी बात करें तो थोड़ी सी, क्या आप सभी को आवाज आ रही है? कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है? आई गेस मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। अरे भाई, जो बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर दो ताकि मास्टर पढ़ाना शुरू करे। अभी भी आ रही है आवाज? अब नहीं आ रही है ना? चलिए बहुत अच्छी बात। ओके बहुत बढ़िया।
तो भैया लास्ट टर्न पे हमने ये सारी बातें कर ली थी, अब इसके बाद चलिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। मैं ना आज एक सवाल से रिवीजन लेना चाह रहा था, मेरा मन था कि मैं आपको इस सवाल को कराऊं। अगर आप सभी ने देखा होगा तो ये एक्सरसाइज 2 का सवाल था, इसमें काफी बच्चे अटके। मैं कह रहा हूँ यार गजब करते हो साला, इसमें अटकने का क्या है, इसमें अटकने का क्या है पहले मुझे बताओ। यहाँ स्विच एस था, ये पोजिशन 1 है और ये पोजिशन 2 है। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 2 का सवाल है, बेटा चिंता मत कर मैं सब पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तेरे को कुछ छोड़ने ही नहीं दूंगा। 2 माइक्रोफेरेड 8 माइक्रोफेरेड वी, मैं रिवीजन करा रहा हूं तो मैंने सोचा इसमें एक सवाल ले लेता हूं। दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11। राजा बेटा एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफेरेड है, इसको चार्ज किया गया है एज शोन इन द डायग्राम कीपिंग द स्विच एट पोजिशन 1। फिर क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या किया जाता है बताता हूं। अभी जब 1 तक इसको कनेक्ट करोगे तो आप मुझे बताओ क्या इसके अक्रॉस 0 0 V V आ जाएगा, तो क्या इसके अक्रॉस 2 V माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाएगा, और यहाँ -2 माइक्रो V कूलम का चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सर आ जाएगा, तो मुझे बताओ इसके पास एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, हाफ इंटू 2 × 10⁻⁶ V² क्या इतनी एनर्जी इसके पास स्टोर हो गई। हाँ सर स्टोर हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू द पोजिशन 2। अब सोचो आप क्या किया गया कि इस स्विच को स्विच पोजिशन 1 से पोजिशन 2 पे कनेक्ट कर दिया गया। जब पोजिशन 2 पे कनेक्ट कर देंगे तो मुझे बताओ क्या इस वाले कैपेसिटर का बैटरी से नाता खत्म, सॉरी हाँ इस वाले कैपेसिटर का बैटरी से नाता खत्म। अब अगर इस वाले कैपेसिटर का बैटरी से नाता खत्म और इस वाले कैपेसिटर का अगर बैटरी से नाता खत्म तो बताओ ये किससे कनेक्ट हो गया, क्या अब ये कैपेसिटर प्रॉब्लम हो गई। अरे यार हाँ ना बोलो ना, क्या अब ये कैपेसिटर प्रॉब्लम हो गई। हाँ सर कैपेसिटर प्रॉब्लम हो गई। अब जब कैपेसिटर प्रॉब्लम हो गई तो आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ इट स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज, उसने बोला है जैसे ही आप स्विच पोजिशन 2 पे इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दोगे तो पूछा है कि इसकी स्टोर्ड एनर्जी का कितना परसेंट डिसिपेट हो गया। डिसिपेट का मतलब अरे VCM निकालने की जरूरत ही नहीं है पागल, ऐसे ही हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ डिसिपेट का मतलब क्या, हीट की फॉर्म में। अब आप मुझे बताओ हीट का फॉर्मूला कैपेसिटर प्रॉब्लम में हाफ C1 C2 upon C1 plus C2 V1 minus V2 का होल स्क्वायर, क्या यही आपका हीट लॉस का फॉर्मूला था। आना बोल, अब अगर यही आपका हीट लॉस का फॉर्मूला था तो ये हीट लॉस आप निकाल लो, ये हीट लॉस निकाल लो और चेक करना कि ये जो लॉस आया है ये इसका कितना परसेंट है। अब परसेंट तो आपको निकालना आता होगा, आप आंसर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 80% आंसर दिख जाएगा। हाँ ना बोल यार, क्या सवाल क्लियर है एकदम अच्छे से। देखो 16 मिनट वेस्ट हो गए, VCM निकाल कर लो तो भी कोई बुराई नहीं है, पर ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कल राजा बेटा हमने RC सर्किट की चार्जिंग पड़ी थी, इफ यू रिमेम्बर RC सर्किट की चार्जिंग पड़ी थी। T = 0 पर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होता, T = ∞ पर कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज होता है जिसे हम Q0 या Qmax बोल लेते हैं। और अगर किसी T = T पर बात करें तो राजा बेटा हम उसको हम कैपिटल Q भी बोल लेते हैं। अगर हम T = T पर बात करें तो राजा बेटा वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए Q = Q0 1 - e^(-t/RC। हाँ ना बोलो, क्या आपको मेरी बात एकदम अच्छे से याद है कि यार ये फॉर्मूला होता है Q = Q0 1 - e^(-t/RC। बेटा दिस इज अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। पहले बताओ क्या यहां तक बात याद रहेगी, बहुत बढ़िया शानदार। अब आप मुझे बताओ अगर कोई आपसे डायग्राम पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटर का चार्जिंग डायग्राम कैसा होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखो आज का लेक्चर अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अपनी सारी ऊर्जा जितनी भी आपके अंदर बची है आ जाओ मेरे साथ जोड़ लो और आइए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर।
अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये कैपेसिटर आर है और ये सी है और ये बैटरी है, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई साहब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है? तो हमेशा ध्यान रखना, चार्जिंग कैपेसिटर के सर्किट में बैटरी होगी। वापस बोलो, चार्जिंग कैपेसिटर के सर्किट में बैटरी होगी। अगर बैटरी होगी तो 100% आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर चार्ज होगा? तो कैपेसिटर चार्ज होने के लिए भाई साहब चार्जिंग कैपेसिटर में, कैपेसिटर सर्किट में बैटरी होगी। बहुत बढ़िया। अब अगर इस पर चार्ज की बात करें तो क्यू का फॉर्मूला होता है, क्यू मैक्स बोल लो, क्यू नॉट बोल लो, 1-e^-t/RC। कल हमने देखा था कि टाइम के साथ कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता है घटता है, बोलो। टाइम के साथ कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता है घटता है, बोलो। अगर बढ़ता है तो t = 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज 0 है, t = ∞ पर मैक्सिमम चार्ज है। तो क्या ये इक्वेशन लीनियर रिलेशनशिप है? क्या इज इट अ लीनियर रिलेशनशिप? पहले ये बताओ, क्या इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप? नो, नॉट एट ऑल। e की पावर है भैया, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। जब लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो क्यू का ग्राफ क्या होगा? कोई मुझसे क्यू और टी का ग्राफ पूछ ले तो राजा बेटा ग्राफ ऐसे बनाना है, राजा बेटा ग्राफ ऐसे बनाना है, t = 0 पर क्या कैपेसिटर पे चार्ज 0 है? हाँ। क्या t = ∞ पर, मतलब लॉन्ग टाइम पर, क्या कैपेसिटर पर चार्ज क्यू नॉट आ जाएगा? क्या ये बात आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रहेगी, एकदम बढ़िया से? इसमें किसी को कोई बुराई और कष्ट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, चार्जिंग के दौरान अगर कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ा, चार्जिंग के दौरान अगर कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ा तो मुझे बताओ सर्किट का करंट घटा कि बढ़ा? मुझे बताओ सर्किट का करंट घटा कि बढ़ा? तो भैया q = q0 1-e^-t/RC। आज मैं आपको ये ई सब बताऊंगा बहुत अच्छे से, आपकी मैथ स्ट्रांग करूंगा, ताकि जब आगे जाके आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको फील आ जाएगी कि यार ये बात तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। जनरली 12वीं क्लास के बच्चे मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, तो अभी आपका ऑनलाइन चल रहा है तो आपको मॉडर्न बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले ये चलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, मुझे करंट निकालना है तो पहले मैं इसको थोड़ा खोल लेता हूँ। q0 - q0 e^-t/RC। अब कुछ बच्चे पूछ रहे मॉडर्न भी आप ही पढ़ाओगे क्या? अरे तुम मुझे नहीं झेल पाओगे। हाँ मैं समझ रहा हूँ ना, तुम तो खुद ही चाहते हो कि अरे भैया इस राक्षस का पतन हो, कैसे भी करके दशहरा निकाल दो बस, ताकि हम इस रावण को मारेंगे। मैं जानता हूँ। q = q0 - q0 e^-t/RC। पहले बताओ क्या यहां तक बात क्लियर हूं? एकदम बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना मेरी। अरे यार पढ़ लेते हैं यार प्लीज, अब अच्छे से पढ़ लेते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले बताओ इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट या परेशानी तो नहीं है? सर मैंने कुछ नहीं करा, ब्रैकेट खोला है बस। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं dq/dt करता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए करंट तो dq/dt करना पड़ेगा, तो मुझे बताओ q0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या q0 आपका मैक्सिमम चार्ज है? वो तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि अभी आपने बोला q0 cv है, cv कांस्टेंट है और कैपिटल v भी कांस्टेंट है। तो भाई साहब क्या q0 का चार्ज 0, मतलब डिफरेंशिएशन 0? माइनस q0 की e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर e की पावर का डिफरेंशिएशन वही होता है बस, जो उसके साथ पावर में उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो t/RC का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्या आरसी तो कांस्टेंट है तो क्या टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है? तो क्या -1/RC? अच्छे से चेक कर लो, कोई बुराई और कोई कष्ट तो नहीं है? अच्छे से चेक कर लो, डिफरेंशिएशन करा रहा हूं मैं, चाहता तो डायरेक्ट भी बोल सकता था पर आपको फील करा के बोल रहा हूं। तो भाई साहब dq/dt इज आई, और यहां हो गया -q0 और -, हो गया +q0, आरसी इधर आ गया, q0 e^-t/RC। क्या आपको मेरी बात लॉजिकली चमक रही है? एकदम अच्छे से सोच लो, कोई बुराई कोई कष्ट तो नहीं है? अच्छा भाइयों बहनों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आराध्य ध्यान से सुनना, q0 की वैल्यू क्या है? अगर आप इस ग्राफ में बताओगे, किस डायग्राम में बताओगे t = ∞ पर
टी बराबर इंफिनिटी पर क्या ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वी और ये वी तो क्या क्यू नॉट सी वी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अरे यार कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सी वी एंड वी है ना, ठीक है। तो अगर आप बोलो तो मैं क्यू नॉट को क्या सी वी रख दूं अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, सी ने सी को मार दिया, सी ने सी को मार दिया तो आई की वैल्यू वी बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। हाँ ना बोलो भाई साहब, भाइयों बहनों आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह करंट आ चुका है इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, करंट इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी का फॉर्मूला मैंने आपको लाके बताया। चलिए अगर आप सभी को मेरे साथ एक ट्रेन के डब्बे की तरह जुड़ना है, मुझे इंजन मानते हो तो आओ इस बात को अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से। आपके पास एक कैपेसिटर है, सब बता रहा हूं मयंक, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। आपके पास एक कैपेसिटर है वो अनचार्ज्ड है, ठीक है साहब। आपने जैसे ही स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करने पर कैपेसिटर पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा, क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये इक्वेशन को हमने वेरीफाई सेटिस्फाई दोनों करके देख लिया। फिर हमने आपसे बोला करंट का फॉर्मूला, तो आपने आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनना, क्या करंट भी टाइम का फंक्शन है? हाँ ना बोल, क्या करंट भी टाइम का फंक्शन है? हाँ सर, करंट बिल्कुल टाइम का फंक्शन है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा अगर करंट टाइम का फंक्शन है तो मुझे बताओ टी बराबर जीरो पर करंट कितना होगा? तो सर एक काम करते हैं, वी बाय आर और ई की पावर जहां जहां टी है वहां जीरो रख दो, तो किसी की पावर जीरो क्या वन होता है, तो क्या करंट वी बाय आर होगा? ओ हो हो, अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग हो और आपने पुरानी बात याद करी हो तो याद करो टी बराबर जीरो पर क्या योर कैपेसिटर विल बिहेव एज अ प्लेन वायर एंड द करंट इन द सर्किट इज वी बाय आर। क्या इट इज द मैक्सिमम करंट विच आई कैन से आई नॉट? यार हाना तो बोलो, क्या मेरी बात जमकर चमक रही है? मास्टर क्या कहना चाह रहा है? ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन चल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्यू का फॉर्मूला, तो क्या क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, और राजा बेटा करंट का फॉर्मूला आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अगर मैं आपसे बात करूं करंट एट टी बराबर जीरो इज आई नॉट दैट इज वी बाय आर, और मुझे बताओ समय के साथ करंट घटता है या बढ़ता है? मुझे बताओ करंट समय के साथ घटता है या बढ़ता है? घटता है। अगर घटता है मेरे लाल मेरे पीले, तो मुझे बता टी बराबर इंफिनिटी पर अगर तू करंट निकालेगा तो आई नॉट ई की पावर माइनस इंफिनिटी। अब तुम मुझे बता किसी की पावर इंफिनिटी मतलब क्या जीरो? तो थोड़ा सा दिमाग लगा, माइनस इंफिनिटी मतलब जीरो, तो क्या करंट जीरो हो गया? अरे सर ये तो वही बात हो गई, करंट भी जस्टिफाई हो रहा है और चार्ज भी जस्टिफाई हो रहा है। क्या अब आपको कैपेसिटर की और फील आई कि साला हम कभी किसी टी टाइम पर कैपेसिटर का चार्ज भी निकाल सकते हैं और पर्टिकुलर किसी टी टाइम पर कैपेसिटर के अंदर करंट भी निकाल सकते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग? ये सारी बात मैंने आपको प्रूफ कर दी है बहुत अच्छे से। क्या मेरी बातें याद रहेंगी? और आप खुद देख रहे हो कि करंट जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे कैपेसिटर के अंदर करंट घट रहा है। तो हम एक बात ग्लोबली याद को ना रख लें, ग्लोबली लर्न दिस थिंग, ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगी। ग्लोबली लर्न दिस थिंग जो मैं बोल रहा हूं, जिसके पीछे सरनेम वन माइनस ई की पावर माइनस टी कुछ है तो वह टाइम के साथ बढ़ेगा। जिसके पीछे सरनेम ई की पावर माइनस टी कुछ है वह टाइम के साथ घटेगा। आप ये बात याद रख लीजिए, जिस भी इक्वेशन में किसी के पीछे सरनेम
वन माइनस ई की पावर माइनस टी में कुछ फंक्शन है तो हमेशा ध्यान रखिए कि वह 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 100% घटेगा, मतलब टाइम के साथ चार्ज बढ़ेगा। और राजा बेटा अगर किसी का फंक्शन देख पा रहे होंगे आप ई की पावर में है तो राजा बेटा सरनेम अगर आप देख पा रहे हैं ई की पावर माइनस में है तो टाइम के साथ वो फंक्शन घटेगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? एकदम अच्छे से। अच्छा, किन्हीं बच्चों को डाउट है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी? अरे राजा बेटा क्या मैं इसको वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी बोल सकता हूँ? अब आप मुझे बताओ किसी की पावर इन्फिनिटी इस क्या वन अपॉन इन्फिनिटी? और राजा बेटा वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो, नॉट डिफाइंड, हम नहीं बता सकते इसको। क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम अच्छे से, आपकी मैथ्स भी मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा। अच्छा, अगर कोई हमसे पूछे सर ई की वैल्यू क्या होती है, सुनते जाइए, बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। ई की वैल्यू होती है राजा बेटा 2.71, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 7-1-8 ले लो, कोई बुराई नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं log 10 और ln e में क्या रिलेशनशिप होती है, तो वो आपको याद होना चाहिए 2.303 log 10, इफ यू रिमेम्बर। क्या आपको ln e का रिश्ता बहुत अच्छे से याद है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, क्योंकि ये सब चीजें आएंगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या आप सभी को ये बात याद रहेगी जम? चलिए अब देखिए, आपने करंट इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी निकाल, आपने चार्ज इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी निकाल लिया। अब आइए कुछ ऐसे पल हम याद करते हैं जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, जहां पर चार्ज कितना हो जाता है, जहां पर करंट कितना हो जाता है। आइए भाइयों बहनों, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, इंस्टेंट्स याद करते हैं। पहले बताओ ड्यूरिंग चार्जिंग आपको क्या दो इक्वेशन याद रखनी? ड्यूरिंग चार्जिंग आपको सवाल बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा बेटा, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर। और राजा बेटा जल्दी बोलो I बराबर I नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर। मैं अब यहां पर आपको एक बात और बोलता हूँ राजा बेटा, दिस RC की यूनिट क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है RC की यूनिट? अगर मैं आपसे पूछूं RC की यूनिट, तो एक बात ध्यान से सुनना। पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपने यूनिट डायमेंशन पढ़ा है तो ई की पावर की कुछ भी पावर हो, क्या ई की कुछ यूनिट होती है? हाँ भैया गर्म पानी पीजो। ई की कुछ यूनिट होती है? नहीं, ई की कोई यूनिट नहीं होती। ठंडा हो गया, चल जाएगा, फिर काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। ई की कुछ यूनिट होती है? नहीं। तो आप मुझे बताओ ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी इज यूनिटलेस? हाँ सर, यूनिटलेस। तो आप मुझे बताओ यूनिटलेस होने के लिए टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो साली आरसी को भी तो सेकंड होना पड़ेगा। अरे यार हाँ ना बोलो ना, आरसी को भी तो फिर सेकंड ही होना पड़ेगा। अच्छा ये सर फील नहीं आ रही, मजा नहीं आया। नहीं मजा नहीं आया, चल एक काम कर, नहीं मजा आया तो चिंता मत कर, मैं बता रहा हूँ एक बार और तरह से देख। आरसी, आर क्या लिख सकता है तू? वी बराबर आई आर से, आर बराबर वी बाय आई। हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा सी, Q बराबर CV से, तो C क्या Q by V लिख सकता है? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या Q is equal to IT लिख सकता है? अरे अब तो समझ ले कि टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, या RC की यूनिट सेकंड हो गई। अब इस RC की यूनिट अगर सेकंड हो गई तो आप इसको हम क्या नाम दें? तो राजा बेटा RC को बोला जाता है, एक नाम है स्टैंडर्ड, याद कर लो, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। वापस बोलो, जल्दी बोलो, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नई नई चीजें हैं, ये आपने पढ़ी भी नहीं है। टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट राजा बेटा, इट इज डिनोटेड बाय टो। ये रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, ये टो जो है, दिस इज नोन एज टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? एकदम अच्छे से। तो कभी कभी अगर आप इक्वेशन देखोगे तो ऐसी भी दी गई होगी, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। कभी कभी करंट की इक्वेशन भी आपको ऐसे दी गई होगी, I नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। हाँ ना बोल यार, ये टाउ भी एक प्रकार का टाइम ही है बेटा, और इसकी वैल्यू अभी आप देख पा रहे हैं, टाउ की वैल्यू अभी हमने क्या देखी, आरसी। तो राजा बेटा अगर R की वैल्यू दी गई होगी, C की वैल्यू दी गई होगी, तो हम टाउ की वैल्यू निकाल देंगे। टाउ एक टाइम ही है जिसको हमने RC नाम दे दिया। अब बेटा आने दो टाउ, जहां पर भी आ रहा है हमें क्या मतलब। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 11वीं में तो ये टॉर्क था,
बारहवीं में आप इसे रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं, फिर आप अभी यहाँ पर टाइम कांस्टेंट भी बोल रहे हैं, तो बस ये टाउ का दो ही काम है। अभी बताएंगे आपको बहुत अच्छे से, अभी बिल्कुल धीरे धीरे समझो, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी मत करो। भले आप मुझे बताओ क्या दोनों इक्वेशन टाउ के टर्म्स में क्लियर है आपको? हाँ सर, दोनों इक्वेशन टाउ के टर्म्स में बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए अब इन इंस्टेंट्स की बात करते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन क्लियर है सबको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई बुराई नहीं है। अच्छा मुझे बताइए क्या कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको सर्किट पता हो, बहुत अच्छे से पता हो, इफ यू रिमेम्बर, तो मुझे बताओ क्या इसमें करंट बहेगा आई? हाँ, तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, तो आप क्या बोलोगे? आई इन टू आर। अब आई जो है वो फंक्शन किसका है? टाइम का, ड्यूरिंग चार्ज। तो आप बताओ क्या लिखोगे? आई नॉट आर ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो मुझे एक बात बताना बहुत ध्यान से, टी बराबर जीरो पर वी आर की वैल्यू क्या होगी? सर एक मिनट, टी बराबर जीरो पर अगर मैं सर्किट बनाता हूं तो सर सर्किट ऐसा बनेगा, तो जब सर्किट ऐसा बनेगा तो तू थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या सारा का सारा ड्रॉप यही खाएगा रेजिस्टर? और अगर सारा का सारा ड्रॉप यही खाएगा तो मुझे बता तू क्या ये आई नॉट आर आएगा? और आई नॉट क्या होता है राजा बेटा? आई नॉट था हमारा वी बाय आर। तो थोड़ा दिमाग लगा, क्या वी आर विल बी इक्वल टू वी? अरे मैंने सारे धागे खोल दिए, सारे धागे, अब तो तुझे चमकना चाहिए, तू कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकता है। मतलब तू सुन, इन दोनों इक्वेशन के बलबूते पे तू क्या क्या नहीं कर सकता है? कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकाल सकता है, कैपेसिटर में बहने वाला करंट निकाल सकता है, वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस निकाल सकता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल सकता है। निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है, पहले हाँ ना बोल, एकदम निकाल सकता है मेरे लाल। तो यही बातें मैं तुझे आज याद करवाना, ये बातें ना बेटा रटने वाली नहीं, ये तुझे फील करने हैं कि हाँ सर मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब इन इंस्टेंट्स को क्या पकड़ो, आप मुझे बताओ टी बराबर जीरो पर क्या चार्ज जीरो होगा? हाँ, चार्ज जीरो होगा तो क्या कैपेसिटर पर वोल्टेज भी जीरो होगा? हाँ, तो रेजिस्टर क्या सारा का सारा वोल्टेज वी खाएगा? हाँ, और क्या करंट रेजिस्टर में क्या वी नॉट बाय आर बहेगा? क्या बुरा, क्या बुराई बात है, क्या ये हम नहीं पढ़ चुके? बस मैंने एक टेबल बना दी, पहले बताओ ये हम पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके? बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर, यही तो सारी बातें अब मैं आपको वापस बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, एक टाइम है टी बराबर आरसी। अब देखो इन्होंने टाइम, पहले बताओ आरसी कोई टाइम होता है या नहीं होता है? पहले बताइए आरसी कोई टाइम होता है या नहीं होता है? होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं टी की वैल्यू आरसी रख दूं तो बताओ ये क्या होगा? सुनिए, क्यू का फॉर्मूला बोलिए सर। क्यू का फॉर्मूला क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। अच्छा आई क्या है? आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ये स्मॉल टी क्या है बेटा? स्मॉल टी इज एनी टाइम, एनी टाइम। कहां से कहां तक? फ्रॉम, सुनते जाइए बस, अपने डाउट मत बनाओ, मैं जो बोल रहा हूं बस उसको सुनते जाओ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, सॉरी ये लो, जो मैं बोल रहा हूं सुनो। टी क्या है? एनी टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी। क्या टाइम आपको जीरो से लेके इन्फिनिटी तक स्मॉल टी हम ले सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो राजा बेटा अब दिमाग खोलकर इस बात को सुनना, टाइम की वैल्यू जीरो होगी तब हमें चार्ज हम निकाल लेंगे। हाँ सर, टाइम की वैल्यू कोई टी होगी तब हम कोई चार्ज निकाल लेंगे। हाँ सर, टाइम की वैल्यू आर सी भी हो सकती है या नहीं हो सकती? अरे यार मैं R की वैल्यू मान लो 1 ओम दे दूं, C की वैल्यू मैं मान लो 1 फैरेड दे दूं, तो आप मुझे बताओ 1 × 1 क्या 1 सेकंड टाइम नहीं हो सकता क्या? तो ध्यान से सुनो ना मेरी बात, T बराबर RC का मतलब ये कोई नया RC कुछ नहीं है। अरे R और C का मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी वैल्यू को जन्म देता है जिसकी यूनिट सेकेंड होती है। तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ रे टी बराबर आरसी पर कैपेसिटर में कितना चार्ज है? टी बराबर आरसी पर कैपेसिटर में कितना करंट है?
अब मेरी बात समझ में आ रही है कि ये आरसी क्या है? कुछ भी नहीं है राजा बेटा, ये रेजिस्टर, ये कैपेसिटर। मान लो आपको रेजिस्टर की वैल्यू 1 ओम दे दी, कैपेसिटर की वैल्यू 1 फैरड दे दी, तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट आरसी क्या 1 × 1 क्या 1 सेकंड हो जाएगा? अगर 1 सेकंड हो जाएगा तो ये तो एक टाइम ही तो है। अब इस टाइम पे आप कुछ भी रख दीजिए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड क्यू एट टी बराबर टाउ, फाइंड आई एट टी बराबर टाउ। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो आओ ना रखते हैं ना क्यू बराबर क्यू नॉट 1 - e की पावर। अब जिसको e में प्रॉब्लम है वो जरा ध्यान से सुनेंगे। स्मॉल t की जगह रखूंगा माइनस टाउ बाय टाउ, टाउ ने टाउ को मार दिया, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 - e की पावर -1। क्या सभी को ये बात क्लियर है? सभी को ये बात एकदम अच्छे से क्लियर है या नहीं? वेरी गुड। अब आप ध्यान से सुनिए, q बराबर q नॉट 1 - 1/e। मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताई थी e की वैल्यू 2.718। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो 1/e अगर आप करेंगे तो दैट विल बी 0.37 अप्रोक्सीमेटली। 1/e इज अप्रोक्सीमेटली 0.37। तो राजा बेटा अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या यह इक्वेशन सही है कि टी बराबर टाउ पर या कैपेसिटर में एक ऐसा समय जब कैपेसिटर, क्या मैं बोल सकता हूं 63% चार्ज हो गया? यार मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पर क्यू नॉट आ सकता है, पर मैंने आपको बोला कि कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस, कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले बताओ ये बात क्लियर है? कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यार टी बराबर जीरो पर कोई चार्ज होगा, टी बराबर इंफिनिटी पर कोई चार्ज होगा, टी बराबर टी पर कोई चार्ज होगा। वैसे ही मैं बोल रहा हूं क्या टी बराबर टाउ पर, टी बराबर टाउ पर क्या ऐसा समय आएगा जब कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल, एकदम क्लियर बात समझ में आ गई। अच्छा मैं अभी बता देता हूं व्हाट इज क्यू। क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ, एट एनी टाइम टी। क्या यहां तक बात क्लियर है एकदम अच्छे से? चलिए अब अगर मैं आपसे यहां बात करूं करंट, थोड़ा करंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अब आप बताइए करंट का क्या हाल होगा? सर करंट में कोई टेंशन नहीं है, I बराबर I नॉट e की पावर माइनस टाउ बाय टाउ, टाउ ने टाउ को मार दिया, तो I बराबर I नॉट e की पावर माइनस वन, I बराबर I नॉट बाय e। कोई मुझे बता सकता है 1/e का वैल्यू? भव्या मैं जो पहले जो सवाल कर रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, क्या 0.37 I नॉट? ओहो हो भाई साहब ये आई है क्या? इट इज द करंट इन कैपेसिटर, करंट इन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। व्हाट इज आई? करंट इन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। तू मुझे बता अगर तुझे याद हो तो टी बराबर जीरो पर करंट जो था कैपेसिटर में वो आई नॉट था, मैक्सिमम करंट था, और टी बराबर टाउ पर जो करंट रह गया वो 0.37 ऑफ आई नॉट। मतलब क्या करंट 63% डिक्रीज हो गया? अबे हाँ, और ये डिक्रीमेंट होना चाहिए था क्योंकि करंट का कम होना मतलब चार्ज का कम होना, और ये चार्ज कम होकर कहाँ जा रहा है? अरे ये चार्ज कम होकर जा रहा है कैपेसिटर पर। तो क्या कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है? क्या सर्किट का चार्ज कम हो रहा है? यार अब तो फील आ रही होगी साले दोनों साथ में चलते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तभी तो तुम याद करो जब तुम्हारी तुम्हारे फोन की बैटरी मैक्सिमम चार्ज हो जाती है तब आपका आपकी बैटरी करंट लेना बंद कर देती है। भाई क्यों डायरेक्ट तू इक्वेशन देखे, इक्वेशन मैंने बना के दिखाई तुझे। बेटा क्या तुझे मेरी बात जमकर क्लियर हो रही है? एकदम फील के साथ क्लियर होनी चाहिए राजा, और प्रूफ कर रहा हूं मैं, कोई बातें लिखी लिखाई नहीं बता रहा हूं, नहीं तो ये टेबल में रटवा भी सकता था कि इसको रट लो और आप घर पे प्रूव करना। पहले बताओ क्या मेरी बात जमकर क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आरसी पर क्या होता है? क्या कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा? हाँ।
क्या कैपेसिटर पर वोल्टेज भी, अभी ऑब्वियस ही बात है यार, जैसा चार्ज का फंक्शन था वैसे ही वोल्टेज का भी फंक्शन है, तो कैपेसिटर पर 63% वोल्टेज आ जाएगा मैक्सिमम का। अच्छा, करंट रेजिस्टर में आपको पता है करंट जो है वो 37% रह गया है, तो क्या करंट 0.37 वी नॉट बाय आर हो जाएगा। पहले बताओ हाँ ना बोले यार, क्या मेरी बात क्लियर है सबको? चलिए अब मुझे बताओ टी बराबर फाइनली और आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा? सर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर विल बी मैक्सिमम चार्ज, कैपेसिटर पर मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट, रेजिस्टर का कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें करंट जीरो, तो रेजिस्टर का कोई मतलब नहीं। उसके बाद क्या करंट भी जीरो हो जाएगा? क्या आपको ये पूरी टेबल जम के चमकी है फील के साथ? तो बोलिए भारत माता की जय। शुरुआत में कोई चीज ना तुझे टफ लगेगी तो तू पेशेंस मत खोया कर बस बेटा, ये एक बहुत अच्छे बच्चे की निशानी है। पेशेंस मत खो, बस ऑब्जर्व करो, दिमाग से खेल, अपने दिमाग को अपने इमोशंस पे हावी मत होने दो। क्या यहां तक बात क्लियर है? वी आर इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, फॉर्मुला लगा लो ना। अरे आप ये वी नॉट माइनस वी नॉट माइनस वी सी मत लगाना, आप वी आर का फॉर्मुला ये लगाओ, वी आर इज इक्वल टू आई नॉट इन टू आर ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, ये फॉर्मुला लगाना आप बस, और टी की वैल्यू रखते जाओ। क्या यहां तक बात क्लियर है? एकदम अच्छे से, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये बातें सब मैंने आपको कह सुनाई। अगर कोई हमसे ग्राफ्स पूछे तो कह दो क्या क्यू का ग्राफ ऐसा होगा? हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा कोई आपसे करंट का ग्राफ पूछे, क्या करंट घट रहा है टाइम के साथ? क्या करंट घट रहा है टाइम के साथ? या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं आई बराबर वी नॉट बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो पहले टी बराबर जीरो पर क्या करंट मैक्सिमम है? क्या जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या करंट कम होता जाएगा? यार हाँ ना बोले, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ टी बराबर टाउ पर क्या होगा? क्या टी बराबर टाउ पर, क्या टी बराबर टाउ पर कैपेसिटर पे 63% चार्ज आ जाएगा? हाँ सर। और टी बराबर टाउ पर क्या कैपेसिटर में, क्या टी बराबर टाउ पर कैपेसिटर में क्या 37% करंट रह जाएगा? हाँ ना बोल यार, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, कैलकुलेट द टाइम when capacitor is half charged of its maximum charge. क्या आप निकाल पाएंगे? चलो मैं निकलवा देता हूं। कैपेसिटर जब आधा चार्ज हो जाता है तो सर परेशानी क्या है? आपने तो बहुत जम के इक्वेशन दे रखी है, q बराबर q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो क्या Q की वैल्यू Q नॉट बाय 2 कर दूं? देखो ना यार, आधा चार्ज का मतलब क्या, मैक्सिमम का आधा, तो क्या Q नॉट से Q नॉट कट गया? तो अब थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, Q मैं फिर से इक्वेशन लिख देता हूँ, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। क्या Q की वैल्यू Q नॉट बाय 2 इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। इक्वेशन देखते जाना, इक्वेशन देखते जाना, नहीं तो फंस जाओगे। ध्यान से देखो, अब अगर e की पावर माइनस टी बाय टाउ में इधर ले आया तो यहाँ बचा 1 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 1 बाय 2। अब ध्यान से देखना 12वीं के मेधावी छात्रों, एक तरफ एक रैशनल नंबर है 1 बाय 2 और दूसरी तरफ एक e की पावर है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत ध्यान से सीखिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, लॉग टू द बेस ई, या मैं इसको एलन लिख दूं, एक ही बात है। अगर ले लूंगा तो यहां लॉग टू द बेस ई ई की पावर माइनस टी बाय टाउ is equal to log to the base e 1 by 2। अब आप मुझे बताओ ये बेस भी e है और पावर भी e है, अगर आपको सॉल्व करना आता हो तो क्या मैं सिंपल log to the base e हट जाएगा और यहाँ बचेगा log to the base e 1 by 2, या बुकों में से ln 1 by 2 भी लिखा जाता है। यार हाँ ना बोलो, पावर आगे आ गई ना बेटा,
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताइए, माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल टू एल एन वन माइनस एल एन टू कर सकता हूं? हाँ सर। अब आप ध्यान से सुनिए, एल एन वन क्या जीरो हो जाएगा? ये तो आपको भी पता है। तो माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल टू माइनस एल एन टू, माइनस ने माइनस को मार दिया, क्या टी इज इक्वल टू टाउ एल एन टू? ओ हो, एल एन टू की वैल्यू अगर आपको पता है तो 0.693 टाउ। राजा बेटा, ये वो टाइम है जब कैपेसिटर पर मैक्सिमम का आधा चार्ज आ जाएगा। मुझे ये टाइम जो है, क्या मैं इसको टी हाफ भी लिख सकता हूं? दैट इज 0.693 टाउ। ये टाउ से पहले आ रहा है या टाउ से बाद? ग्राफ में चलो, ये टाउ से पहले आ रहा है या टाउ से बाद? टाउ से बड़ा है टाइम है या टाउ से छोटा है? अश्मित आदित्य फंस गए तुम। अबे 0.693 टाउ से छोटा है पगले, देख इधर। तो देख, ये टी हाफ पर क्या चार्ज मैक्सिमम का आधा आ जाएगा? तू खुद देख ले, क्या तुझे मेरी बात जमकर क्लियर हो रही है? एकदम बढ़िया, एकदम क्लियरली कि हाँ सर, आधा चार्ज कब होगा? आप तो देख, तेरे पास सारे इंस्टेंट आ गए। टाउ पर क्या होगा तू ये बता सकता है? फिर तो तेरे से कोई पूछे कि बता रहे, कोई तुझसे डायरेक्ट पूछ ले, बता रहे 0.693 टाउ पर क्या होगा? तो 0.693 टाउ पर सर कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज का आधा चार्ज कैपेसिटर पर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगर इतनी बात मैं आपसे पूछूं, अच्छा मैं आपसे पूछूं करंट का क्या होगा, तो यार आप करंट बता दो। आई एट टी बराबर, हाँ हाँ, कोई आपसे पूछे एट व्हाट टाइम करंट इन कैपेसिटर रिड्यूसेस टू आई नॉट बाय टू, क्योंकि करंट तो कम हो रहा है, करंट तो कम हो रहा है। हाँ सही बोल रहा है उत्कर्ष। एक बार शुरुआत में चार्जिंग तेजी से होती है, तो अभी ग्राफ से भी देख, तू ग्राफ से देख ये वाली ग्राफ देख, पहले चार्जिंग कितनी फटाफट हो रही, देख q by t का टाइम देख, पहले क्या स्लोप जबरदस्त है, फिर उसके बाद धीरे 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 चार्जिंग स्लो हो जाती है और 100% पर आकर चार्ज कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्या बात क्लियर है एकदम अच्छे से? चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ रे करंट जो है वो आई नॉट बाय टू कब रह जाएगा? तो फॉर्मूला लगा लो, आई बराबर आई नॉट की पावर माइनस टी बाय टाउ। यार मुझे अब लग रहा है कि मैं फालतू ना ही पेन घिस रहा हूँ। आप ये सब खुद भी कर सकते हो यार, क्या ट्राई करोगे? 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, इसको सॉल्व करके लाना। सॉल्व इट, सेम है वही, सेम है वही, सेम है। क्या मेरी बात जम के क्लियर है अच्छे से? गुड। अब अगर आप स्पेशल इंस्टेंस देखेंगे तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच दिस टाइम कैपेसिटर बिहेव एज अ कनेक्टिंग वायर। यहाँ पर एक बड़ा स्माइली बनाओ और हंस जाओ कि अबे ये तो हमें बहुत पहले से ही पता है, मुंह पे मार साला, घुसा मार, ये तो सब पता है साला, क्या बता रहा है ये। इसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बड़ा स्माइली बनाओ साला और फिर हंस जाओ, ये तो और बेकार है साला, ये तो हम सब पढ़ चुके हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये सारी बातें हमने प्रूव कर दी साहब। इसके बाद टाइम कॉन्स्टेंट क्या आरसी होता है? हाँ ना बोल भाई साला। हाफ लाइफ, द टाइम इन विच ऑल पैरामीटर्स बिकम 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इज 0.693 आरसी। अब मैं हिंदी में बात बोलूं, इसकी वैल्यू भी 0.693 आरसी आएगी, मतलब टाउ आएगा। देखो आप इधर आ जाओ, देखो आप, देखो टी हाफ पर देखो, करंट भी आधा रह जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो खुद सोच, तू खुद सोच, जब चार्ज आधा, मेरी बात सुन, जब चार्ज 63% था तो क्या करंट 37% था? हाँ। अब अगर चार्ज आधा है तो क्या करंट भी आधा रहना चाहिए? तो वो टाइम तो सेम ही होगा ना, जब करंट और चार्ज दोनों आधा आधा होंगे। यूं थोड़ी पहले चार्ज आधा होगा फिर करंट आधा होगा, ऐसे थोड़ी होगा साल, दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रहा है, करंट कम हो रहा है चार्ज बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या यहां तक बात सबको याद है? एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया। हाफ लाइफ हमने आपकी क्लियर कर दी। चलिए भैया, तो दैट वाज द चार्जिंग कैपेसिटर इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्या है, जल्दी आ जाओ बिना दिमाग लगाए, नेक्स्ट बोलो रे। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये तो और ही सिंपल है। पहले बताओ डिस्चार्ज किसे किया जा सकता है? डिस्चार्ज उसे ही किया जा सकता है जब से पहले वो चार्ज हो। अगर साला वो चार्ज ही नहीं होगा यार, एसी का टेम्परेचर किसको ऑन करेगा? अगर वो चार्ज ही नहीं होगा तो साला वो डिस्चार्ज कैसे होगा?
अच्छा दूसरी बात, क्या कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए बैटरी की जरूरत होगी? पहले ये बताओ, क्या कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए बैटरी की जरूरत होगी? समरबीर क्या बात कर रही हो? अरे भाई, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए बैटरी की जरूरत थोड़ी होगी। अब अगर बैटरी की जरूरत नहीं होगी तो हम क्या इस प्रोसेस को वापस से उठा के ला सकते हैं? सर कौन सा प्रोसेस, जरा गौर फरमाइए। तो फरमा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले बताओ, टी बराबर इंफिनिटी पर क्या ये आपको एक चार्जिंग सर्किट दिख रहा है? इट इज अ चार्जिंग सर्किट। सर बिल्कुल चार्जिंग सर्किट दिख रहा है, इसमें कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या इस कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम है, क्यू नॉट एंड यहाँ माइनस क्यू नॉट? हाँ सर बिल्कुल मैक्सिमम, इसमें कोई बुराई नहीं। क्या ये समय टी बराबर इंफिनिटी हो रहा है? हाँ। अब अगर मैं इस मोमेंट पर, अगर यहां पर मैं बैटरी शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट करने का मतलब क्या मैं बैटरी के एंड्स को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दूं? अरे यार पैरेलल में कनेक्टिंग वायर लगा दूंगा। आर्यन सुन लो यार, अगर मैं कनेक्टिंग वायर लगा दूंगा तो मुझे बताओ अब इस बैटरी का कोई रोल रहा क्या? अब इस बैटरी का कोई रोल रहा क्या? नहीं। अब जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी? क्या कैपेसिटर बोलेगा? अगर आप सभी ने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी हो तो क्या कैपेसिटर बोलेगा रेजिस्टर से, ओ रेजिस्टर अहम बैटरी? अरे यार रेजिस्टर बोलेगा अहम बैटरी। साला अब तू समझ यहाँ क्या हो रहा है। बड़े बड़े घर में अगर तूने पढ़ा हो तो नाम भी दिखा होगा, जनरेटर होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं। इन्वर्टर्स में राजा बेटा बहुत बड़ी बैटरी आती है। अब वो जो बैटरी होती है ना राजा बेटा, हम उसको कॉन्टिन्यूसली चार्ज करते रहते हैं, और फिर जब लाइट चल जाती है तो वो जो बैटरी है क्या वो एज अ सोर्स, वो जो आपके पास जो बैटरी है क्या वो एक कैपेसिटर की तरह काम करती है, फिर वो डिस्चार्ज होने लग जाती है? सर किसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाती है? वो रेजिस्टर्स के थ्रू डिस्चार्ज होती है। सर रेजिस्टर कौन? अरे भैया रेजिस्टर अपने बल्ब, अपने एसी, अपने ट्यूबलाइट, अपने घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स या बल्ब होंगे। क्या आपको मेरी बात और क्लियरिटी से समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के लिए क्या आपको ये जो चार्जिंग बैटरी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर, उसने ऑलरेडी चार्ज कर दिया, अब मुझे बाहर के सप्लाई की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ ये चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा? क्या कैपेसिटर विल एक्ट एज अ बैटरी? हाँ अहम बैटरी। और आप मुझे बताओ, अच्छा मुझे बताओ एक मिनट ध्यान से सुन लो, जैसे कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम लगाता था, सत्यम अहम मतलब मैं, हे भगवान मैंने ना घूसा मार देना यार, मेरे ना टुकरा यहाँ पे, तुम क्या करते हो यार, तुम्हें साला कुछ नहीं आता यार, मतलब यार मैं ही सब सिखाऊंगा जीवन में, मेरी बात सुन लो तुम, शादी है ना मम्मी पापा की मर्जी से करना, अगर खुद की मर्जी से कर ली ना जीवन भर डाउट लेते फिरोगे साला, और वो डाउट कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। अब जैसे कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगता है, वैसे ही राजा बेटा कैपेसिटर टेक्स टाइम टू डिस्चार्ज। आपकी बैटरी जो घर के इन्वर्टर्स में लगी वो यूं थोड़ी साला कि एकदम ही चार्ज हो जाए सारा, एकदम ही डिस्चार्ज हो जाए, टेक्स टाइम, वो टाइम लेती है। फिर अगर मान लो 5-7-10 घंटे लाइट नहीं आए फिर आपका इन्वर्टर बोल जाता, आपने ये बात देखी होगी, तो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या अब मैं वापस से नई साइकिल शुरू कर सकता हूँ टी बराबर जीरो से? क्योंकि टी बराबर इन्फिनिटी तो चार्जिंग वाला टाइम था, अब मैं क्या वापस से टी बराबर जीरो पर वापस से डिस्चार्जिंग शुरू कर सकता हूँ? एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिस्चार्जिंग में सब कुछ घटेगा, डिस्चार्जिंग में सब कुछ घटेगा, कैपेसिटर का चार्ज भी घटेगा, जैसे जैसे चार्ज घटेगा वैसे वैसे करंट भी घटेगा, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। बेटा यहाँ बैटरी नहीं है, ये कैपेसिटर बैटरी नहीं है, ये बोल रहा है कि मैं बैटरी की तरह काम करूंगा, पर ये बात पक्की है
ये बात पक्की है कि उसका चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो 100% पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो एक टाइम पे कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर सर्किट में करंट भी जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब तो बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप मुझे एक बात सुनो, इस पॉइंट का पोटेंशियल ध्यान से सुनना, एक्स तो क्या, ये भी एक्स तो क्या, ये भी एक्स तो क्या, ये भी एक्स, करंट मान लो आई, ये किसी टी बराबर टी पर मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आपको लिखना आता है एक्स माइनस से प्लस चल रहा हूं बढ़ेंगे मतलब क्यू बाय सी, फिर करंट की दिशा में रेजिस्टर माइनस आई आर इज इक्वल टू एक्स, एक्स ने एक्स को मार दिया, अरे मैं सिंपल केवीएल लगा रहा हूं यार, जब ये कैपेसिटर बैटरी की तरह ट्रीट करेगा तो आप बैटरी में बाज वाला डंडा देखोगे ना, अरे यार जब कैपेसिटर बैटरी की तरह ट्रीट करेगा तो बैटरी में तो बाज वाला डंडा देखेंगे ना, तो बाज वाला डंडा क्या है पॉजिटिव, तो क्या मैं इसको प्लस क्यू बाय सी लिखूंगा? और अगर करंट ऐसे बहेगा, ये तो आपको भी पता है अगर बैटरी का ये बड़ा डंडा होता है छोटा डंडा होता है तो देखो क्या करंट यूं ही तो बहेगा, हाँ ना बोल, तो क्या करंट यूं बहेगा तो क्या रेजिस्टर में करंट माइनस आई आर आएगा, ड्रॉप माइनस आई आर आएगा? हाँ सर आएगा, इसमें कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं है, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्यू बाय सी बराबर आई आर, एक्स एक्स कट गई, बहुत बढ़िया, क्यू बाय सी बराबर आई, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ डी क्यू बाय डी टी इंटू आर। मुझे बताओ करंट या चार्ज समय के साथ घट रहा है बढ़ रहा है? बोलो चार्ज समय के साथ घट रहा है बढ़ रहा है, जल्दी बोलो। सर बिल्कुल घट रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो क्या थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं यहाँ डी क्यू बाई डी टी लिखूं या माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखूं? सोचो आप खुद, ये माइनस क्या बता रहा है, एज चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अभी आप देखिएगा इसकी इक्वेशन क्या मस्त निकल कर आती है, मैं प्रूव करूंगा पूरी निष्ठ, मस्त रहो एकदम एकदम, ध्यान से सुनो बस मैं क्या कर रहा हूं। ये हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी। देखना जरा ये इक्वेशन सही है क्या, देख मैंने क्या करा, डी टी को ये ले, तेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, डी टी को इधर ले जा और यहां माइनस डी क्यू बाई क्यू लिख दो। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? एकदम अच्छे से ठीक है। अब तू थोड़ी बात ध्यान से सुनना मेरी बात, एक काम कर दे दोनों तरफ सांप लगा देता है, सांप की लिमिट मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ माइनस डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी। ये किसी टी टाइम पे चर्चा चल रही है, तो किसी टी टाइम पर कैपेसिटर पे इनिशियली कितना चार्ज था, टी बराबर जीरो पे कितना चार्ज था, क्या चार्ज पहले क्यू नॉट था? हाँ सर सीवी था, हाँ कनिष्का सीवी मतलब क्यू नॉट हो गया ना बेटा, बिल्कुल सही है। और टी बराबर टी पर कितना चार्ज था, टी बराबर टी पर, सर टी बराबर टी पर चार्ज स्मॉल क्यू था। अगर आप चाहें तो पिछली स्लाइड पे देखें, क्या ये टी बराबर जीरो पे चार्ज था मैक्सिमम, उसके बाद क्या टी बराबर टी पर कैपेसिटर पर जो चार्ज रह गया वो थोड़ा कम रह गया, कैपिटल क्यू नॉट मतलब क्यू नॉट से कम हो गया, तो कितना रह गया भाई स्मॉल क्यू। तो मुझे बताओ ये लिमिट्स आपको क्लियर हुई, पहले बताओ लिमिट्स क्लियर हुई या नहीं, सबको लिमिट्स क्लियर हैं? चलिए अब आप मुझे बता, कुछ तो बोल रहे हैं हाँ, अब एक काम कर क्यू से क्यू काट दे, कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं इस क्यू से ये क्यू काट दे, मैंने घूसा मार देना, ऐसे काटा पीटी मत कर देना साला, नुकसान हो जाएगा। डी क्यू बाय क्यू का इंटीग्रेशन क्या माइनस एल एन क्यू आ जाएगा, लिमिट क्यू नॉट से क्यू, अरे माइनस तो बाहर है ही ना, और डी टी बाय आर सी में आर सी कॉन्स्टेंट है तो क्या टी बाय आर सी आ जाएगा, हाँ ना बोल भाई। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब तू थोड़ा लिमिट पुट कर, तो लिमिट ये माइनस उधर भेज दे, तो एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। बेटा मैं ये सब प्रूफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ जो है तेरे बोर्ड्स में आ सकते हैं, नीट में तो इसका आउटकम ही याद करना है तुझे। अब तू मुझे एक बात बता, दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लूंगा तो ये लॉग तो हट जाएगा और उधर आ जाएगा e की पावर, तो तू मुझे बता क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ q बराबर q नॉट e की पावर माइनस टी बाय आर सी। हाँ भाई इस q की इक्वेशन में, अच्छा चलो एमसीक्यू हो भी गया तो भी यार याद तो रख लो, नहीं कराऊं क्या प्रूफ, डायरेक्ट बोल दूं क्या ये याद रख लो, तो ठीक है नहीं कराऊंगा अब आज के बाद, सीधा बोलूंगा एमसीक्यू हो गया है, गजब ही हो यार। पहले बताओ ये टाइम के साथ घटने वाले इक्वेशन है या बढ़ने वाली? टाइम के साथ तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, मैं तो सब कराऊंगा, टाइम के साथ घटने वाली है बढ़ने वाली? ऑब्वियसली सर क्यू घटेगा टाइम बढ़ेगा,
देख तू पटक ले, टी बराबर जीरो पटक, तो टी बराबर जीरो पर करंट में चार्ज मैक्सिमम, टी बराबर इन्फिनिटी पर सर सारा का सारा चार्ज जीरो हो गया, और ये होना भी चाहिए था, ये होना भी चाहिए था, करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सॉरी चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कोई मुझसे ग्राफ पूछे तो क्या क्यू और टी का ग्राफ ऐसा ही होगा? पहले बता ऐसा ही होगा या नहीं होगा? अब वही वाला काम करना है तुम्हें, टी बराबर टाउ पर क्या होगा, ने टी बराबर इस पर क्या होगा, ने टी बराबर उस पर क्या होगा। क्या मेरी बात क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? अगर आपको थोड़ा सा भी हो तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, सिमी लल्ली, सिमी लल्ली आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। हाँ सर लिख सकते हो, क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। मैं इसको टाओ के फॉर्म में लिखूं तो आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाओ एंड क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाओ। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्या आपको याद है क्यू और टी का ग्राफ ऐसा होगा डिस्चार्जिंग में? सॉरी ये टच नहीं करेगा। और अगर आपको याद है आई और टी का ग्राफ ऐसा होगा, पहले बता ऐसा होगा या नहीं होगा? अब तू मुझे एक बात बता, तुझे याद है मैंने बोला था कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स एनॉर्मस एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो बात यहां मैं आज प्रूव कर रहा हूं, वो बात मैं आज यहां प्रूव कर रहा हूं, बस मेरा साथ देना। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हारा कैपेसिटर यहां पर फील के साथ मैं बहुत कुछ बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ टी बराबर टाउ पर करंट कितना होगा? निकाल लो ना सर, आई नॉट ई की पावर माइनस टाउ बाय टाउ आई नॉट बाय ई, दैट इज 0.37 आई नॉट। ठीक है, टाउ की वैल्यू क्या है? आर सी। ठीक है, सर्किट याद है? हाँ सर सर्किट भी बहुत अच्छे से याद है, ये हमारा सर्किट, ये आर ए एस सी है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये आर और ये सी क्या तू खुद ले सकता है? हाँ सर आर और सी मैं खुद ले सकता हूं। अब तुझे चाहिए बहुत ज्यादा करंट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या तू आर सी को इस तरह से लेगा कि उसकी वैल्यू कम हो? अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो टाउ की वैल्यू कम होगी, और अगर टाउ की वैल्यू कम होगी तो तू ये सोच तेरा कैपेसिटर कम टाइम में क्या ज्यादा चार्ज या ज्यादा करंट डिस्चार्ज कर रहा है। तो यही तो बात है, यही तो बात मास्टर कहना चाह रहा है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच गिव्स एनॉर्मस चार्ज एनॉर्मस करंट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और डिसाइडिंग फैक्टर कौन है तुम्हारा? आरसी। आरसी जितना कम टाउ उतना कम, टाउ पर आप सभी समझते हैं 63% करंट आपको मिल जाएगा। पहले बताओ क्या मेरी बात सबको क्लियर है एकदम फील के साथ? क्लियर है कि हाँ सर आज समझ में आया कि कैपेसिटर क्यों एनॉर्मस चार्ज आपको देता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा व्हाट इज आई एंड क्यू? दीज आर करंट एंड चार्ज एट एनी टाइम टी। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनना ध्यान से। क्या आपने कुछ ऐसे चार्जर्स भी देखे होंगे या ऐसे फोन भी देखे होंगे जो फटाफट चार्ज होते हैं, जो फटाफट चार्ज होते हैं? तो राजा बेटा वो फटाफट चार्ज होने का मतलब उनका जो टाउ होता है वो कम होता है टाउ। अब आपको पता है एक अच्छा फोन क्या होना चाहिए, एक अच्छा फोन क्या होना चाहिए? सुनो मेरी बात, अपना दिमाग मत लगाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक अच्छा फोन वो होना चाहिए जिसका चार्जिंग टाउ कम हो और जिसका डिस्चार्जिंग टाउ ज्यादा हो, कि यार वो डिस्चार्ज धीरे हो और
चार्ज फटाफट। इन्हीं चीजों पर आज आपकी ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, मोबाइल फोन में चेंजेस किए जा रहे हैं। क्या मेरी बात और क्लियर हो रही है कि यार ये जो टाउ नाम की चीज है, इस पर्टिकुलर टाइम पर आरसी को हम चेंज कर टाउ को चेंज कर सकते हैं। एक टाउ चार्जिंग का टाउ है और एक टाउ डिस्चार्जिंग का टाउ। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? अच्छे से, एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया राजू। अगर आप चाहें तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का फिनोमेना समझ लें। मैंने आपको बोला था डिस्चार्जिंग में सब कुछ घटेगा, सब कुछ घटेगा, चार्ज घटेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज घटेगा, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज घटेगा, करंट घटेगा। अगर आप चाहते हैं तो क्या ये इक्वेशन क्लियर है सबको? ये इक्वेशन क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा अब आपसे एक सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना, सवाल बहुत अच्छा है। बेटा मैं आज 1:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, इसलिए प्लीज आप लोग कुछ खाते पीते रहें, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आज और सोमवार 2 दिन बचे हैं और मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है। अभी मेरा डाइलेक्ट्रिक बचता है, वो एक लेक्चर खाता है बेटा, एक नहीं तो 45 मिनट्स खाता है। तो राजा बेटा मुझे मंडे को कैसे भी करके मुझे मैग्नेट में एंटर करना है, क्योंकि 5 तारीख वाले टेस्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन मैग्नेट का जरूर देना चाहता हूँ। मैं टेस्ट का सिलेबस आज ही डाल दूंगा। अभी मैंने टेस्ट का सिलेबस इलेक्ट्रिक डिवाइस से मैग्नेट का स्टार्टिंग, बस बिल्कुल स्टार्टिंग, इलेक्ट्रिक डिवाइस से कैपेसिटर पूरा लिया है और मैग्नेट का स्टार्टिंग। नहीं, मैं संडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी व्हाट गोना हैपन, सुनिए, अब टॉपिक पे आ जाइए। व्हाट गोना हैपन इफ देयर विल बी if capacitor is not in series with battery. सत्यम, अब पहले इधर देख लू, बाद में समझाऊंगा, अभी आप एक बार वीडियो वापस देख लेना। आप इधर आओ, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अभी तक आपने रेगुलर सर्किट जो देखा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का, शायद आप सभी ने ऐसा देखा, सर ये चार्जिंग सर्किट है और सर ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। हाँ ना, बोल पक्का? तो इसमें भी टाउ जो था वो आरसी था और इसमें भी टाउ जो था वो आरसी, ठीक है। अगर मैं पेन चेंज करके ये बात बोल रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये समझ लिया तो आनंद आ जाएगा और बहुत अच्छे से आनंद आएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास एक सर्किट है, अगर आपके पास मॉड्यूल हो तो प्लीज ओपन पेज नंबर 164, प्लीज ओपन पेज नंबर 164। अगर आपके पास मॉड्यूल हो तो प्लीज ओपन पेज नंबर 164। अब देखिए, बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, प्लीज मन लगा के पढ़ते रहिए, आपको ऐसी रिच फीलिंग होगा कि आनंद आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या इस और इस सर्किट में कैपेसिटर जो है वो बैटरी के साथ सीरीज में? हाँ सर, यहां पर कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों अलग अलग ही हैं सर, और दोनों सीरीज में। पर आप मुझे बताइए, इस बार ये कैपेसिटर बैटरी के साथ सीरीज में नहीं, पर क्या यह कैपेसिटर सर्किट बैटरी से जुड़ा है? हाँ, तो मैं आपसे पूछूं, बताइए ये कैपेसिटर चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, पहले तो आप ये बताइए। तो आंख बंद करके बोलिएगा कि ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जब मैं स्विच क्लोज कर दूंगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। दिस इज अ चार्जिंग सर्किट। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, वाह वाह, यहां तक बात की। अब इस केस में कोई आपसे कैपेसिटर पर चार्ज पूछे फाइनली, तो कुछ भी मत कीजिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिएगा, जो कल हमने सवाल किया था, तो हम कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज निकाल देंगे, आर टू को हटा देंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो कल अपन ने सवाल कर लिया टी बराबर इंफिनिटी पे,
कल वाली बात कोई तो बोल रहा हूँ, कल ऐसा सवाल कराया तो था मैंने, टी बराबर इन्फिनिटी पर चार्ज कैसे निकाला जाता है, वो तो मैंने आपको सिखा दिया, आर टू को हटा देना और सवाल सॉल्व कर लेना। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ये तो फील आ गई ना कि कैपेसिटर चार्ज होगा क्योंकि कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी। हाँ सर, कैपेसिटर चार्ज होगा क्योंकि सर कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनो, इफ स्विच इज क्लोज्ड देन फाइंड टाउ ऑफ द सर्किट। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। यदि स्विच क्लोज्ड है इसका मतलब क्या कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है? हाँ। तो क्या कैपेसिटर चार्ज होगा? हाँ। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं उस टाइम पे टाउ ऑफ द, और अच्छे से बोलू, चार्जिंग सर्किट? हाँ सर। टाउ कैसे निकालेंगे? क्या अब मैं यहां पर टाउ आर टू सी बोल सकता हूं? नहीं, यहां मैं टाउ आर टू सी नहीं बोल पाऊ। अब सर ऐसे केस में टाउ क्या लेंगे? तो ध्यान से सुनिए, स्टेप्स टू कैलकुलेट टाउ, कुछ नहीं छोड़ूंगा बेटा, बस मेरे साथ बना रहे। स्टेप्स टू कैलकुलेट टाउ, फर्स्ट शॉर्ट द बैटरी, ये ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। सेकंड स्टेप वन, शॉर्ट द बैटरी। सेकंड फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, सुन लो यार, सुन लो, अपना दिमाग मत लगाओ ना जब मैं बोल रहा हूँ कैसे टाउ निकालते हैं। इस वाले टाउ में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है टाउ आरसी होगा, इस वाले में भी टाउ आरसी होगा, पर इस वाले में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे हैं कि आर टू सी होगा कि आर वन सी होगा या आर वन प्लस आर टू सी होगा, हमें नहीं पता। तो ऐसे केस में स्टेप नंबर वन, शॉर्ट द बैटरी, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब हिंदी में बोलूं, बैटरी को शॉर्ट कर दे और जहां कैपेसिटर लगाए वहां बैटरी लगा, क्योंकि आपको कैपेसिटर के अक्रॉस आरनेट निकालना है तो वहां बैटरी लगा दो। तो अगर आप वहां बैटरी लगा दोगे तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं टाउ कैसे निकालूंगा ऑफ द गिवन सर्किट? क्या मैं बैटरी शॉर्ट कर दूं? हाँ सर, बैटरी शॉर्ट कर दीजिए। और क्या कैपेसिटर के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है? हाँ सर, दिस इज आर टू एंड दिस इज आर वन। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इसके अक्रॉस आरनेट निकालेंगे तो क्या यहाँ आरनेट निकालने का तरीका तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से सीखा है, क्या यहाँ बैटरी लगा दूं? हाँ। तो सोचो जो यहाँ से करंट जाएगा वो यहाँ जाएगा, क्या वो आर वन में जाएगा या वो आर वन में जाएगा या नहीं जाएगा? सर आर वन में नहीं जाएगा क्योंकि आर वन तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मेरे राजा बेटा, सर्किट का आरनेट क्या आर टू हो गया? तो ऐसे मोमेंट पे जो तुम्हारा टाउ होगा वो कहलाएगा आरनेट इंटू सी। What is Rnet? R2 into C. If you can check your answer, the answer is just below the question. 5 ka E ka answer dekhiye. Beginner box 5 ke E ka answer dekhiye. Kya R2C clear? Dhyan se dekhiye. Bahut achhe se. Jo main bol raha hu, uska ek tarika hai. Us tarike ko follow karenge to aapko tau nikalne mein pareshani nahi aayegi. Otherwise, bookon mein pata nahi kya kya likha hai. कि आप ये देखो वो किसके अक्रॉस चार्ज हो रहा है और फिर वो किसके अक्रॉस हो रहा है, फिर आप ये देखो फाइनली क्या हो रहा है। अरे आकाश, आर टू इन्फिनिटी पर कुछ काम नहीं कर रहा ना, पर ध्यान से सुनिए, आर टू है तो सही, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तब तो आर टू में से करंट जा रहा था ना, टी बराबर इन्फिनिटी पर आर टू में से करंट नहीं जा रहा, हमें उससे क्या मतलब? हम आपसे पूछ रहे हैं टाइम कॉन्स्टेंट कैसे निकाले सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट निकालने की एक विधि है, उस विधि को वापस से सुन लीजिए। शॉर्ट द बैटरी, ठीक है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए, ठीक है मैं आपकी बात यहां समझ गया। सर ये जो सर्किट अभी आपने हमें पढ़ा है जनरल, ये सी है, ये आर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो आर्यन, ध्यान से सुन लो। सर ये जो आपने कैपेसिटर अभी पढ़ाया, देखिए इसका टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला, आप तो कह रहे थे इसका टाइम कांस्टेंट आरसी होता, तो आप मेरी ट्रिक यहां पर भी लगाओ, ट्रिक लगाओ। स्टेप नंबर वन, शॉर्ट द बैटरी, आओ इसका सॉल्यूशन कर दो। शॉर्ट द बैटरी, चलो भैया बैटरी को शॉर्ट कर दिए, ये लो मैंने बैटरी को शॉर्ट कर दिया। फिर आपसे क्या पूछा था, फाइंड आर इक्विवेलेंट, फिर आपसे क्या पूछा था, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। तो एक काम करो, क्या मैं हटा के यहां लगा दूं, क्या मैं हटा के यहां के बैटरी लगा दूं? अब अगर मैं यहां बैटरी लगा दूंगा तो मुझे बताओ
क्या आरनेट जो आ रहा है वो सिर्फ करंट इस आर में से ही जा रहा है, तो क्या आपका आरनेट जो आ रहा है वो आर है, तो टाउ क्या आरनेट इनटू सी हो जाएगा, दैट इज आर इनटू सी। अरे भारत माता की जय, अब तो क्लियर हुआ होगा कि साला ये आरसी, साला ये टाउ कैसे निकालते। पहले मैंने आपको बोल दिया कि टाउ ये है, जबरदस्ती बोला आपको कि टाउ ये है, पर आपको टाउ की फील आनी चाहिए ना कि टाउ कैसे आता है, ट्रिक समझ में आती। चलो अब इसका अगर हम बिगनर बॉक्स फाइव का ही डी पार्ट करें, डी पार्ट में क्या बोला है, डी पार्ट ने बोला है कि टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट निकालो जब स्विच एस ओपन है। प्राची इधर देख लो, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट निकालो जब स्विच एस ओपन है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये स्विच ओपन है तो क्या यह कैपेसिटर चार्जिंग सर्किट है या डिस्चार्जिंग सर्किट है? पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं चार्जिंग सर्किट है या डिस्चार्जिंग सर्किट। सर पहली बात, कैपेसिटर का बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है, और जब कोई कनेक्शन नहीं है इसका मतलब 100% ये एक डिस्चार्जिंग सर्किट है। अब आप मुझे बताइए, हमारा तो तरीका वही है। स्टेप वन, शॉर्ट द बैटरी। क्या यहाँ बैटरी है? क्या मेरा सर्किट तो ऐसा ही है? अरे मेरा तो सर्किट ही यही है, आप इस चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये और ये। पहले बताओ क्या यह, यहां तक क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं शॉर्ट द बैटरी। सर बैटरी तो है नहीं, ठीक है आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सर फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये लो ना यहां लगा दो एक बैटरी, तो ये लो ना, ये आर टू, ये आर वन, और यहां से करंट बहा दो। तो बोलो आरनेट क्या आएगा? क्या आरनेट आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, क्योंकि दोनों सीरीज में, तो बोलो टाऊ क्या हो जाएगा? टाऊ हो जाएगा आर वन प्लस आर टू इंटू सी। अरे अब तो बोल दो भारत माता की जय, चार सवाल करा दिए तुम्हें, टाउ निकालनी। सबको क्लियर है एकदम अच्छे से? देख लो कोई सन्नाटे में तो नहीं हूं, बहुत बढ़िया। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, देखो आप ध्यान से सुनो, ये आपको मैंने चार्ज डिस्चार्जिंग का तरीका बता दिया, इसमें क्यू आई वी सी वी आर सब घटे, डिस्चार्जिंग ग्राफ। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक कैपेसिटर है इसके पास 10 जूल की एनर्जी है, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, एक और कैपेसिटर है यही सेम 10 जूल की एनर्जी है इसके पास, सेम यही कैपेसिटर है सीसी, और यह है 10 ओम का। मुझे बताओ क्या दोनों ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे? कनिष्का पहले इधर देख लो, आपका जो डाउट है पहले व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे, पहले बताओ क्या दोनों ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे? हाँ सर डिस्चार्ज होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1 ओम में कितनी एनर्जी जाएगी और 10 ओम में कितनी एनर्जी जाएगी? 1 ओम में कितनी एनर्जी जाएगी और 10 ओम में कितनी एनर्जी जाएगी? अरे भाई 1 ओम और 10 ओम दोनों में ही 10 जूल्स की एनर्जी जाएगी, क्योंकि डिस्चार्जिंग में तो सब कुछ घटता है। हाँ पर एक बात क्लियर है कि शायद इसमें और इसमें डिस्चार्ज होने का टाइम कम ज्यादा हो। ध्यान से सुनो, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल की बैटरी कार में लगा दोगे तो क्या कार चल जाएगी? नहीं। पर अगर आप कार की बैटरी मोटरसाइकिल में लगा दोगे तो क्या वो चल जाएगी? ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? कि चाहे 10 ओम हो या चाहे 1 ओम हो, 10 जूल तो पूरी की पूरी डिसिपेट होगी। हाँ बस टाइम कम ज्यादा हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? इन द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग टोटल एनर्जी इज लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, चाहे वो 1 ओम हो या 10 ओम हो, राजा बेटा 100% पूरा डिस्चार्ज होगा। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, ये सवाल आपको करके लाना है। पहला सवाल तो सिंपल सवाल है, होमवर्क, मना मत करना, या पहले भी कर चुके हो। टी बराबर जीरो पर आपसे करंट निकालना है, तो टी बराबर जीरो पर क्या कैपेसिटर का डायग्राम ऐसा बना दोगे? अरे यार मना मत करो प्लीज यार, ये सारी बातें मैं बोल चुका हूँ यार, प्लीज यार, प्लीज यार। टी बराबर जीरो पर ये है ना, उसके बाद टी बराबर इंफिनिटी पर
सर टी बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर को हम ऐसे बना दें, तो करंट निकाल लो, इस बार दोनों में से करंट जाएगा, क्या करके लाओगे? बहुत बढ़िया, चलो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया, देखो करवाया नहीं करवाया, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट व्हेन स्विच एस इज ओपन एंड व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, क्या ये भी करके लाओगे? अभी जस्ट करवाया एज डन बिफोर। बेटा तू देख ये सारी बातें मैं तुझे पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कॉन्फिडेंस लिया अपने अंदर, बस खत्म, यही तुझे बस कॉन्फिडेंस लाना है, जो हम पढ़ रहे हैं साला वो 5,00,000% सही, बस मैं फोकस करूं कि वो मुझे अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल आइए क्लास में करते हैं। एक बैटरी है 20 वोल्ट की, अब आपको सवाल चमकाना पड़ेगा, सवाल बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल, सवाल सुनिए। एक बैटरी है 20 वोल्ट की जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है जी, एक बैटरी बना ली जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ऑफ 2 फैराड कैपेसिटेंस, ठीक है भाई, इसको एक 2 फैराड कैपेसिटेंस से जोड़ दिया, बताइए कैपेसिटर चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, जल्दी बताइए कैपेसिटर चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, घुसा मार देना है, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा? सर 100% चार्ज होगा, ठीक है। अब अगर 100% चार्ज होगा तो आप मुझे बताइए, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स 10 कूलम्ब, तो क्या बड़ी बात है, ये तो बहुत सिंपल है, बैटरी कितने की है 20 वोल्ट की, तो आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना ध्यान से, क्या चार्जिंग का फॉर्मूला याद है कैपेसिटर का, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 - e^(-t/τ, हाँ क्या क्यू 10 कर दूं, हाँ ओए क्यू नॉट क्या होगा, अरे सर यही बैटरी यही रेजिस्टर यही कैपेसिटर, तो क्या क्यू नॉट सीवी हो जाएगा, क्योंकि आप तो टी बराबर इंफिनिटी बना लिया करो फटाफट, तो सर इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो ये जीरो तो ये जीरो तो ये जीरो तो ये 20 तो ये 20, सर क्यू नॉट हो जाएगा 40, 1 - e^(-t/τ, टाइम हमसे पूछा गया टी अपॉन टाउ, टाउ क्या हो जाएगा आर सी, आर कितना है भाई 5, सी कितना है भाई 2, तो क्या आर सी 10 हो गया, तो आप बताओ जीरो ने जीरो को मार दिया, तो क्या 1/4 = 1 - e^(-t/10, अब बताओ e^(-t/10 इज इक्वल टू क्या 1 - 1/4 दैट इज 3/4, दोनों तरफ लॉग ले लो और -t/10 देखो ना -t/10 इज इक्वल टू ln 3/4, हाँ ना बोल यार, अब तो सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का बोल जल्दी बोल, ln 3 माइनस ln 4 इज इक्वल टू -t/10, यार हाँ ना बोलो प्राची, यार मैंने क्यू नॉट 40 इसलिए निकाला क्योंकि क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज होगा, और मैक्सिमम चार्ज कितने पे आएगा टी बराबर इंफिनिटी पे, और टी बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जीरो बहेगा, तो सोचो कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जीरो बहेगा तो 5 ओम में भी तो करंट जीरो बहेगा, यार ये क्यों नहीं आता है आपको इतना, यार ये सारी बातें तो मैं पहले ही बता चुका हूं, हाँ ना बोलो, चलो ln 3 और ln 4 की वैल्यू बोलो, ln 3 ln 4 की वैल्यू बोलो जल्दी, अरे यार इसको तुम ऐसे भी तो ले सकते हो ln 3 माइनस 2 ln 2, हाँ ना बोल, अच्छा ln 3 क्या होता है, ln 3 0.7 ln 3 भाई 0.48, बिल्कुल ठीक है, अब आप इसमें से इसको माइनस कर लो, ln 2 तो बताया ना 0.693, अब ये माइनस बड़ा आंसर आएगा क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या सॉल्व कर लोगे यार, हाँ ना तो बोलो यार, अच्छे से क्लियर है, अगर नहीं बताओ तो भैया टाइम टेकिंग वो तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा साला, ये क्या टाइम टेकिंग है साला, इतना इजी कर दिया है मैंने, हाँ 1.2 के आसपास आएगा, चलो ये बताओ
ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। अ कैपेसिटर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ एल एन टू ओजस, मैं अभी आपको क्लास के बाद एल एन टू एल एन थ्री एल एन फोर एल एन फाइव सबकी वैल्यू लिख के दे दूंगा, तो उसको याद कर लेना मेरे प्यारे बेटा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है राजा, अब तो ठीक है, अब तो मन में शांति और खुशी की लहर है मेरे राजा बेटा। आना बोल मेरे लाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ तो बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भैया। अब सवाल आ जाओ इस पर, अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। चलो भाई एक कैपेसिटर लेते हैं 10 माइक्रोफैरेड, इसको भाई साहब 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करते हैं। जरा मुझे बताना इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ जाएगा। अरे सर बहुत सिंपल, 10 × 10⁻⁶ × 10 दैट इज सर 100 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर आ जाएगा। नहीं 10 नहीं है यार, 10 नहीं है, 2 है, 2 सॉरी, तो ये 2 है, तो मेरे हिसाब से 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया बेटा। नाउ बैटरी इज रिमूव, ध्यान से सुनिए, नाउ बैटरी इज रिमूव एंड रेजिस्टर ऑफ 1000 ओम इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। कौन सा केस है, जल्दी बोल दो कौन सा केस है। डिस्चार्जिंग, वेरी गुड। अब आप मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर पे चार्ज 20 − 20 μC है, और अगर आपने इसको 1000 ओम से कनेक्ट कर दिया तो क्या कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। हाँ सर, क्या पूछा गया, फाइंड द टाइम आफ्टर विच एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा पहले बताओ एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, पहले बताओ एनर्जी घटेगी बढ़ेगी। सर एनर्जी घटेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी 25% कब रह जाए, तो साला 25% एनर्जी कब रह जाए यार, ये तो लफड़ा वाला केस हो गया। शांत से सुनो, ध्यान से सुनो। सर आपने तो बोला था चार्ज की इक्वेशन आपने बता दी, सर आपने करंट की इक्वेशन बता दी, पर सर आपने एनर्जी की तो इक्वेशन ही नहीं बताई। अब जब आपने एनर्जी की इक्वेशन नहीं बताई, अब सर हम इसको या सॉल्व कैसे करें। अब देख ध्यान से देख, मैं तुझे प्रूफ करा के बताता हूं, ध्यान से देख, ध्यान से देखना मेरे लाल मेरे पीले। देख मैं तुझे एक बात प्रूफ कर देता हूँ, बहुत सिंपल बात। टी बराबर टी पर मुझे बता क्या कैपेसिटर पर चार्ज क्यू स्मॉल क्यू मान लू, हाँ कोई बुराई नहीं है। अच्छा टी बराबर जीरो पर क्या कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज था क्यू नॉट, क्या ये टी बराबर जीरो की सिचुएशन थी। हाँ सर अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा है। ठीक है आप मुझे बताओ एट टी बराबर टी एनर्जी जो बची हुई है कैपेसिटर के अंदर वो कितनी है, क्या मैं इसको क्यू स्क्वायर बाय टू सी बोल सकता हूँ। हाँ सर क्योंकि क्यू मुझे पता है, क्योंकि क्यू मुझे पता है तो सर चार्ज क्यू है तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी। अच्छा यू नो दिस That during discharging Q is equal to Q naught e की पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। हाँ सर चार्ज की इक्वेशन मुझे पता है। अब अगर चार्ज की इक्वेशन मुझे पता है तो Q naught e की पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर बाय टू सी कर सकता हूं। सर बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। Q naught स्क्वायर बाय टू सी क्या e की पावर माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी इंटू ई की पावर माइनस टू टी बाय टाउ। अरे यार वो पावर अंदर आ जाएगी। सर बहुत बढ़िया, दिस इज एनर्जी जो बची हुई है कैपेसिटर के अंदर एट एनी टाइम टी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या इट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा था इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो भाइयों बहनों क्या आप सभी के पास एक एनर्जी का फॉर्मूला और आ चुका है जिसके पीछे भी यही फंक्शन है,
मतलब क्या यह भी टाइम के बढ़ने के साथ कर इसकी एनर्जी घटेगी? हाँ ना बोल यार। तो ये ले, अगर तुझे अब एनर्जी की कोई इक्वेशन पूछे कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग की, तो ये ले भैया, इसको अब तू सॉल्व भी कर सकती है, इसमें कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं है। हाँ ना बोल यार, सब घट रहा है, एनर्जी भी घटेगी, वेरी गुड। तो अब तुझे बता सवाल क्या था? सवाल था कि बताओ टाइम जब कैपेसिटर पर एनर्जी 25% रह जाए, मतलब U by 4 या U max by 4? अब देख सॉल्व कैसे करते हैं, अब तो हलवा हो गया। U की वैल्यू सॉल्यूशन लिख रहा हूं, U max by 4 बराबर U max e की पावर माइनस 2t by tau खुपच खुपच 1 by 4 e की पावर माइनस 2t by tau। हाँ ना बोलिया। अब इसको आ जा अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना बहुत सिंपल है, 1 by 4 is equal to e की पावर माइनस 2t by tau, ln ले ले, ln 1 by 4 is equal to माइनस 2t by tau, ln 1 माइनस ln 4 is equal to माइनस 2t by tau, माइनस ln 4 is equal to माइनस 2t by tau, ln 4 is 2 ln 2 is equal to 2t by tau, 2 ने 2 को मार दिया, तो t will be tau ln 2। हाँ ना बोलो, क्या बात, क्लियर है एकदम अच्छे से? मैंने आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट कराया, और एनर्जी के बाद राजा बेटा फिर हमने एनर्जी की इक्वेशन लगा के सारी बात एकदम ढंग से लिख दी। अब tau is equal to rc कर दो, tau कितना है, टाउ कितना है, आर सी, आर कितना है, आर दे रखा है 1000 और सी कितना है 2, तो कर दो आर सी, टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज 1000, सी इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो कर दो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्या आप यहां रख दोगे, सॉल्व कर लीजिएगा, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। हाँ ना बोल यार, वेरी गुड है नित, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। क्या आपको मेरी बात यहां तक जम के चमकी, सारी बात एकदम अच्छे से क्लियर हुई? कि आज हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग, साला अभी तक तो हम टी बराबर जीरो और टी बराबर इन्फिनिटी पे कर रहे थे, पर राजा बेटा अब हम टी बराबर टी पर भी, टी बराबर टाउ पर भी, किसी भी कोई जनरल टी टाइम पर भी हमने आज सारे सवाल कर लिए। अब आपसे मैं अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक ये वो सवाल होंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि उसके अंदर इतना भर दिया, आधा भर दिया, पार्शियली भर दिया, उन पर सवाल कैसे आएंगे वो मैं कराऊंगा। पर ठीक है, 7-8 मिनट बचे हैं और मैं अभी समझता नहीं हूं कि सही टाइम है, तो मैं आज आपको काफी सारा होमवर्क देता हूँ, और अगले 50 मिनट में जब अगला लेक्चर होगा तभी खत्म करके हम मैग्नेट शुरू कर देंगे। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा बहुत अच्छे से, मन लगा के अपने सभी सवाल कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।